हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम क्रीमी, गाढ़ी और नरमदार पकौड़ों के साथ कढ़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कढ़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैं जिस बर्तन में कढ़ी बना रही हूँ, मैं उसी में ले रही हूँ 1/2 किलोग्राम दही। दही को फेंट कर थोड़ा पानी डालकर पतला कर लिया था। दही को फेंट कर डालें जिससे कढ़ी में लम ना बने। आप छाछ का यूज़ भी कर सकते हैं। तो 1/2 किलोग्राम मैंने दही ले ली है और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक बेसन। बेसन को मैंने पहले ही छान लिया था। ग्राम में मेज़र करें तो ये 150 ग्राम बेसन है। बेसन को भी आप छान कर ही डालें, इससे लम्स नहीं बनेंगे और कढ़ी और बेसन को हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी प्याज का पेस्ट। आप इसमें छोटी छोटी 2 प्याज भी ले सकते हैं। और 1 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 2 से 3 चुटकी हम इसमें डालेंगे हींग और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और 2 लौंग डाल देंगे और 1 छोटा टुकड़ा हम इसमें डालेंगे दालचीनी का और 6 से 7 हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और सब चीज़ों का हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ पूरा 3 लीटर पानी। पानी की क्वांटिटी हम इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि कढ़ी को हमें बहुत टाइम तक पकाना होता है, तो इसलिए पानी ज़्यादा ऐड किया जाता है। तो 3 लीटर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता और अब इसको गैस पर रख देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। कढ़ी को गैस पर रखने के बाद कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना जाए। चलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बेसन नीचे बैठने लगता है, जिसकी वजह से बेसन जल भी सकता है और कढ़ी भी ख़राब हो सकती है। गैस की फ्लेम को हाई रखें और कढ़ी को चलाते रहेंगे। और जब आप देखें कि कढ़ी में उबाल आने लगा है तो आप गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए, क्योंकि कढ़ी एकदम से ओवरफ्लो हो जाती है, यानी कढ़ी उबलकर बाहर आ जाएगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं कढ़ी में अच्छे से उबाल आ रहा है। अब मीडियम फ्लेम पर हम कढ़ी को कम से कम 35 से 40 मिनट तक पकने देंगे। तब तक कढ़ी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो जब तक कढ़ी बन रही है तब तक हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ी को मीडियम फ्लेम पर हम इसी तरह छोड़ देंगे। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले बोल में लेंगे हम 1 कप बारीक बेसन। ये 150 ग्राम बेसन मैं ले रही हूँ। बेसन को मैंने पहले ही छान लिया था और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 1 प्याज, 6 से 7 हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे सोडा और स्वाद के अनुसार हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे।
इसको मिक्स करने के बाद कम से कम बैटर को आप 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लें। बैटर आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, उससे पकौड़े आपके बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएंगे। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ 1/2 चम्मच ज़ीरा और इसको मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको साइड पर रख देंगे। तब तक हम अपनी कढ़ी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ी पकते पकते आधी हो चुकी है। और कढ़ी काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है, ये देखें आप। अगर आप चाहते हैं कढ़ी को और गाढ़ करना तो आप इसको थोड़ी देर और पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको इतना ही रखूँगी। तो कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है, तो चलिए पकौड़े तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हाँ, मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल आपको पकौड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ इतना लेना है कि आपके पकौड़े ऑयल में आधे डूब जाएँ, पूरे नहीं डूबें। ये क्यों करना है इसका रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। ऑयल को आप मीडियम हॉट कर लेंगे और एक स्पून से इस तरह से आप पकौड़े डालते जाएंगे। जब आप स्पून से पकौड़े डालें तो स्पून को आप ऑयल के थोड़ा ही ऊपर रखें, बहुत ज़्यादा ऊपर से पकौड़े ना डालें। मैंने आपको बताया था कि आपको ऑयल कम लेना है, तो वो इसीलिए आप देख सकते हैं पकौड़ों के ऊपर आपको छोटे छोटे होल नज़र आ रहे होंगे। तो ये होल इसलिए बने हैं, पकौड़े ऑयल में पूरा नहीं डूब रहे हैं। अब बारी आती है तड़का लगाने की। तो उसके लिए हमने जिस ऑयल में अभी पकोड़े फ्राई किए हैं उसी ऑयल का मैं तड़के के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें अब हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई है। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई रेड चिली, ये मैंने 4 पीस डाले हैं इसके। और 1/2 चम्मच डालेंगे ज़ीरा और 3 डालेंगे हरी मिर्च, ये हरी मिर्च को मैंने बीच से काट कर डाला है। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब तक कि प्याज आपको गोल्डन ना दिखने लगे तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसका तड़का लगा देंगे। तो यहाँ मैंने तड़का लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो कढ़ी हमारी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हुए हैं ना एकदम क्रीमी और गाढ़े से कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।